कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइली आपका यहाँ बेसर सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024 पच्चीस पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे आ चुका और साथ ही आपका पूर्णांक यहाँ 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य, ठीक है। आपका दूसरा निर्देश आता है, तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा, तो आप यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला था कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आपका ऑप्शन आता 8 है, और ब आता आपका 7 है, और 7 आपका 11 है, और द आता 9, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 8। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन आता 2, ब आता आपका 3, स आता आपका 4, और द आता 5। तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह कथन बताना किसका है, तो जो आपका यह कथन है वो आपका रहेगा अब्राहम लिंकन आपका राइट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका चौथा आता है उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता भूमि, और ब आता भौतिक पूंजी, और स आता आपका मानव पूंजी, और द आता श्रम। तो जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर आपका भूमि हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपका आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ब आता बाल गंगाधर तिलक, स आता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और द आता आपका गुलजारी लाल नंदा। तो जो आपके यहाँ पर ठीक है पाँचवा सही विकल्प दिया गया है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपके यहाँ पर छठा आता है इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो आपका आता है यंत्र, और बात आपका कंप्यूटर, और साथ आपका भूमि, और दाता उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी से आपने याद कर लिए होंगे सही विकल्प, आपके 6 नंबर के कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखते जाना। फिर आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, ठीक है। एशिया आपका राइट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का, ठीक है, तो याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा था भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, ठीक है, आपको पता ही होगा भारत में वोट डालने की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है। फिर तीसरा आता है कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की, तो आपका दास कैपिटल आंसर रहने वाला है, ठीक है, दास कैपिटल। फिर आपका जो यहाँ पर दिया है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डोंट होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर आपका जो यहाँ पर पाँचवा आता है लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डोंट डोंट प्रदान करता है, तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है वो ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां मौसमी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ठीक है, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ग्रामीण आपका रहने वाला आंसर राइट, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी कम्प्लीट हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर दिखली सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके स्तंभ आओ बामें दिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी, तो जो आपकी पहली आती है डॉक्टर, ठीक है, नेल्सन मंडेला, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, और जो आपकी दूसरी आती है, ठीक है, महात्मा गांधी, तो इसको आपको भारत से मैच करना। तीसरी आती है आग सान सू की, तो इसको आपको म्यांमार से मैच करना है। जो आपकी चौथी आती है अब्राहम लिंकन को आपको किससे मैच करना है, जो आपकी चौथी है, तो इसको मैच करना आपको अमेरिका से। जो आपकी पाँचवीं आती है सुकरात को मैच करना आपको एथेंस से, ठीक है। जो छठवीं आती है आपकी धारा
तो इसको आपको मैच करना किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप प्रश्न चार आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आप करेगा 8। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। फिर आपका दूसरा था गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज, ठीक है, कोल खोज, कोल, ठीक है, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो इसका आंसर रहेगा आपका गुजरात। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। फिर आपका जो पांचवां था, पृथ्वी के मध्य में चिर अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए भूमध्य रेखा। फिर आपका आता छह, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, आपके दो पड़ोसी देश रहेंगे, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। छवां था भारत की, सॉरी तो हो गया है, तो आपके एक शब्द वाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका प्रश्न पाँच आता, सत असत का चयन करके लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो सत रहने वाला। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य रहेगा। तीसरा था लोकतंत्र में शासकों को चुनाव जनता करती है, तो ये भी सत्य रहेगा। चौथा आता था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये भी सत्य रहने वाला है। पांचवा था भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो यह सत्य हो जाएगा। छवां था पॉलिटिक्स की रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके असत्य वो भी कम्प्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न छह था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, ये आपके दो अंकीय क्वेश्चन है। भारत को विश्व में ठीक किन किन नामों से जाना जाता है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मानक यमत्तो तरसे की आशय है। फिर आपका आता 18वीं सदी में फ्रांसी समाज किन वर्गों में बटा था, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, खूनी रविवारी घटना क्या थी, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, फिर लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इन सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। फिर आपका 11वां था संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अथवा आता है संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए, 22 का मताधिकार क्या है, अथवा आता है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। फिर आपका 13वां था शिक्षित बेरोजगारी से आपके समझते हैं, अथवा आता है बेरोजगारी से क्या आशा है, और ठीक है जन्मदर से क्या आशा है, अथवा आता मृत्यु दर से आप कैसे समझते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देखते जाइए, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। 15वां था रबी और खरीफ फसल में दो अंतर लिखना, अथवा आता गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 16वां था फ्रांसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, अथवा आता ठीक है मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं। फिर आपका 17वां था कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। फिर आपका आता कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, अथवा आता पलमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है। फिर आपका 19वां था कन्याकुमारी और कश्मीर में देर रात की अवधि में अंतर होता कोई दो कारण लिखिए, अथवा आता कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है कोई दो महत्व लिखिए। फिर आपका 20वां आता फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, अथवा आता 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। फिर आपका 21वां आता उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, और फिर आपका आता बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। 22वां क्वेश्चन आता 23वां। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कम्प्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो आपके प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना, पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।